मान लो कि आप लोग नॉर्मली जो है फ्री फायर को खेल रहे हो एंड आपका फोन जो है अचानक से ब्लास्ट कर जाए, तो आप लोगों को क्या लगता है क्या होगा? आप लोगों को तो यही लगता होगा कि नॉर्मली से जो एक दिन दो दिन हॉस्पिटल जाएंगे एंड उसके बाद जो सारी चीजें हैं वो ठीक हो जाएंगी। अगर आप लोग ये सोचते हो तो आप लोग बिल्कुल ही रॉन्ग हो, क्योंकि अगर आपका फोन ब्लास्ट होता है उससे जो हीट निकलने वाली है वो सबसे पहले जो आपका जो स्किन है उसे जो है मतलब कि एक रास्ता बना देगी, आपकी स्किन को जो है कट कर देगी एंड उसके बाद आपके फ़ोन के बैटरी में जो एसिड्स केमिकल्स हैं वो जो है आपके बॉडी के अंदर एंटर कर जाएंगे। अगर वो आपके हाथ के अंदर एंटर करते हैं तो हो सकता है कि आपके हाथ को भी जो है कट करना पड़ जाए। मतलब कि आप लोग समझ सकते हो कि सिर्फ एक छोटे से फ़ोन ब्लास्ट के कारण से जो है आपके हाथ को भी काटना पड़ सकता है। सो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ मेन रीज़न बताने वाला हूँ जिसके कारण से जो है आपका फ़ोन ब्लास्ट कर सकता है। एंड चिंता मत करो, सिर्फ रीज़न ही नहीं, उसके साथ जो सॉल्यूशंस भी बताऊंगा कि आप लोगों को करना क्या है उसको ठीक करने के लिए, कि आप लोगों का फोन ब्लास्ट ना हो एंड आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट रीजन जो है फोन ब्लास्ट होने का वो है चार्जिंग में लगा के जो है गेम को खेलना। कि बहुत सारे बंदे ऐसे होंगे कि जो चार्जिंग में लगा के जो है गेम को खेलते हैं तो वो तो भाई बहुत ही ज्यादा गलत करते हैं। उनका फोन भी जो है कभी भी जो इस कारण से जो है ब्लास्ट हो सकता है, क्योंकि आप लोगों का फोन जो है लगातार जो है वो गर्म हो ही रहा है, क्योंकि आप लोगों का जैसे चार्जिंग में हो रहा है आपका बैटरी में अंदर आपका बैटरी को जो है मतलब कि एनर्जी एक साइड से लेना भी पड़ रहा है एंड एनर्जी जो है एक साइड से देना भी पड़ रहा है। तो ये भी जो एक बहुत बड़ा रीज़न हो जाता है कि आपका बैटरी को गर्म होने का, एंड बैटरी गर्म हो जाता है बहुत ज़्यादा ही, जिस कारण से जो आप लोगों का फ़ोन भी जो है ब्लास्ट कर सकता है। तो इसके लिए जो है आप लोगों को चार्जिंग में लगा के कभी भी जो है गेम को नहीं खेलना। तो हमारा गाइस रीज़न नंबर जो 2 है वो होने वाला है ज़्यादा टाइम तक गेम खेलना। मतलब कि आप लोग अपने फ़ोन को टाइम नहीं देते हो कि उसे ठंडा होने का भी टाइम मिले, आप लोग जो है लगातार गेम को खेलते रहते हो। तो इसके लिए जो है आप लोगों को क्या करना है कि आप लोगों को लगातार जो गेम को नहीं खेलना, हो सकता है कि आप लोग एक बार अगर एक घंटे खेलते हो तो एक घंटे खेलने के बाद जो है आप लोगों को अपने फ़ोन को जो है लगभग 15 मिनट 10 मिनट का जो है रेस्ट देना है, ताकि आपका फ़ोन जो है ठंडा हो सके। एंड आपका फ़ोन अगर ठंडा हो जाएगा तो फिर से जो है आप गेमिंग कर सकते हो। एंड इसको अगर आप लोग स्पीड करना चाहते हो कि आप लोगों को जो है 5 मिनट के अंदर या फिर 2-3 मिनट के अंदर फ़ोन को ठंडा करना है, उसके लिए जो है आप फ़ोन का कवर को उतार के उस फ़ोन को जो है पंखे के सामने भी रख सकते हो। तो गाइस थर्ड नंबर प्रॉब्लम जाती है वो है गर्म जगह पे बैठ के जो है गेम को खेलना। तो आप लोग में से बहुत सारे बंदे ऐसे होंगे जो कि यार बहुत जल्दी धूप में बैठ के एकदम से फ़ोन चलाते हैं, फिर जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है वहाँ पे जाके जो है गेम को खेलते हैं। तो आप लोगों को जो है ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, इससे आप लोगों का फ़ोन जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है गर्म हो जाएगा एंड उससे जो है आप लोगों का फ़ोन जो है एकदम हाथों हाथ ही जो है वहाँ पे भी जो है ब्लास्ट कर सकता है। तो इससे बचने के लिए आप लोगों को ये करना है कि आप लोगों को जो है ठंडे जगह पे जाके ही जो है गेम को खेलना है, आप लोगों को एकदम से गर्म जगह जहाँ पे हो वहाँ पे बैठ के जो है गेम नहीं खेलना है। सो गाइस यही टॉप 3 रीजंस थे जिनके कारण से जो आप लोगों का मैक्सिमम जो फ़ोन्स है वो ब्लास्ट करते हैं। तो आप लोगों को इस चीज़ के ऊपर जो है ध्यान देना है कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें जो है गलती से भी जो है नहीं करनी है। अगर आप लोग ये सारी चीज़ें करते हो तो आप लोगों का फ़ोन ब्लास्ट हो सकता है एंड फ़ोन ब्लास्ट होने से यार आप लोग समझ सकते हो कि कितने ज़्यादा जो आप लोगों को प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। आप लोगों का हाथ तक कट करने पड़ सकते हैं भाई, एक गेम खेलने के लिए अगर आप लोगों का हाथ कट करने पड़े एंड हैंड कट करने के बाद आप लोग क्या करोगे, तब कैसे गेम को खेलोगे, तब कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होगी आप लोग तो तब समझ ही सकते हो। तो इसीलिए जो है गेम को जो है आप लोगों को कम भी कर देना चाहिए। तो आज की वीडियो जो है बस यहीं तक थी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर सेट मार देना। चलो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।